एवरीवन, आज हम लोग कुंडमाला वाटरफॉल जा रहे हैं जो पुणे से कुछ 20 किलोमीटर दूर पड़ता है और देखा जाए तो कुछ 1 घंटे रास्ता है लोहगांव से, 1 घंटे रास्ता लोहगांव और धानोरी से। ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल नहीं है, छोटा ही वाटरफॉल है। मानसून में मैं फर्स्ट टाइम अभी जा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं एक दो बार आ चुका हूँ जब गर्मियों का टाइम था, तब उसमें बहुत हल्का सा पानी बहता था। अभी देखते हैं मानसून में कैसा भी होगा। वहाँ पे बीच में एक स्टेशन पड़ता है और ये भी राइट साइड में आप देखेंगे तो रेल के कुछ डब्बे मिलेंगे, रेल है, कुछ डंप यार्ड है शायद, ये डोंट नो क्या। और ये सारा आर्मी एरिया है लेफ्ट साइड में, तो मे बी ये बीच में एक ट्रैक भी है जो बंद है, रेलवे ट्रैक के बीच में जो इनके आई मीन आर्मी के गेट की तरफ एंटर करते थे। यहाँ दिखेगा शायद वो, ये रहा ये रेलवे ट्रैक जो अंदर जाता था, शायद अब बंद हो गया वो। तो मे बी कुछ DRDO वगैरह कुछ होगा ऐसा, जहाँ पे इक्विपमेंट आर्मी के इक्विपमेंट वगैरह लाना ले जाना होता होगा उसमें। तो चलते हैं देखते हैं आज मानसून में कैसा है कुंडमाला वाटरफॉल। मौसम बहुत ही मस्त था आज, मेरे पैर रुके नहीं, मैंने कहा चल चलते हैं कहीं ना कहीं घूमने। गाड़ी चलाने का आज मन था थोड़ा मेरे को, तो मैं निकल गया गाड़ी लेके। बस वीडियो थोड़ी मेरी वाइफ ने ऐसी बनाई है जो तो ये हम आ गए, देखो कैसा नज़ारा है अभी कुनमाला वाटरफॉल का। पानी आ गया है काफ़ी, और ये पहाड़ वो रहा वाटरफॉल। अब छोटे छोटे वाटरफॉल्स और भी मिलेंगे ऐसे, तो अभी इस टाइम हम पुल के ऊपर हैं। काफी अच्छा फ्लो है आज वाटरफॉल का, यहाँ पे काफी तेज बह रही है। ये इंद्राणी नदी है, लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम सूखा पड़ा था, बस थोड़ा सा पानी बह रहा था उधर से। और आज पुलिस बहुत है यहाँ पे, पुलिस की तादाद बहुत ज़्यादा, बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। ऐसी अच्छा डेस्टिनेशन है अगर हम देखें तो, हमारे नियर बाय पुणे में 1.5 घंटे का ड्राइव पे आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। मानसून में यहाँ पे एक छोटी सी आउटिंग हो सकती है घर वालों के साथ। वो और ये वो पहाड़ी जो लोनावला पे है, और ये हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है और वहाँ पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप बाय वॉक्स पुल के ऊपर से आएंगे। ये पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। तो ये सामने आप इंद्रायणी होटल करके है, वहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। और ये रहा खतरा, यहाँ पे सारी बैरिकेडिंग कर रखी है, बैरिकेडिंग बोले तो रस्सी लगा रखी है। इसके आगे अब जाने नहीं दे रहे, नहाने नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि अभी पता चला हमको यहाँ पे कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही 2-3 लोग डूबे हैं जिनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ ऐसा, तो इसीलिए अभी यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे, ना किसी को नहाने दे रहे। देखा तो हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग हुड़दंगबाजी करते हैं ऐसी जगह पे और फिर अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं। बाकी आप लोग सब खुद समझदार हैं कि ऐसी जगहों पे किस तरीके से उन लोगों को संभलना चाहिए और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन का साथ देना चाहिए ऐसे टाइम पे। यहाँ पहुँचने के लिए आप लोग अपनी कन्वेंस यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही
लोकल ट्रेन भी है जो बेगड़वाड़ी स्टेशन पर उतरती है। यहाँ पे हमने 50 रुपये की मैगी खाई, चाय पी और उसके बाद घर घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।